हाय गाइस, तो ये वीडियो होगी पार्ट टू इस वीडियो की। अगर आपने नहीं देखी ये वाली वीडियो, तो ये वीडियो इसके अंदर मैं एक्सप्लेन करूंगा वो स्ट्रैटेजी भी, उसके एडजस्टमेंट्स भी, और ऑप्शन सिम्युलेटर पे बैक टेस्ट करके दिखाऊंगा कि आप इसको किस अलग अलग तरीके से एडजस्ट कर सकते हो, अगर आपके फेवर में जाए, आपके अगेंस्ट जाए, या कुछ भी हो। ठीक है, तो पूरी भी देखना एंड तक वीडियो, पूरी एडजस्टमेंट्स भरी होंगी अलग अलग तरह की। और शुरू करते हैं वीडियो को, टाइम वेस्ट नहीं करते। सबसे पहले तो बैंक निफ्टी पे दिखाऊंगा, आप निफ्टी पे भी कर सकते हो, जो आपको कंफर्टेबल हो वो करो। ठीक है, अब एक और चीज़ है रिक्वायरमेंट, बेसिक आपको बेसिक चार्ट देखना आना चाहिए, कम से कम सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन मार्क करने आने चाहिए। और अगर आपको वो नहीं आते अभी, तो आप जाके मेरी वीडियो देख सकते हो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे, वो भी दली हुई है, दो वीडियो में, दोनों जाके देख सकते हो, उनमें सब कुछ एक्सप्लेन है। राइट, तो अभी हम चलते हैं कुछ अराउंड 10 जनवरी को। ठीक है, अभी बताऊंगा 10 जनवरी पे भी क्यों गए हम स्पेसिफिकली। तो 10 जनवरी को थोड़ा सा ट्रेंड क्लियर था, क्योंकि अगर आप देखो 2 दिन का हाई के पास खुली थी मार्केट, और वहां से पूरी रिजेक्शन आई थी। राइट, तो यहाँ से थोड़ा बहुत इजी मार्केट थी। तो मैं आ गया 10 जनवरी को। ठीक है, एक सेकंड, मैं एग्जैक्ट 10 खोल लेता हूँ, कहाँ पे शुरू हो रही है, यहाँ पे शुरू हो रही है 10 जनवरी। अब मैं अज्यूम करता हूँ आप शुरू के 15-20 मिनट तो वेट करोगे ट्रेड लेने से पहले। तो देखो, ये 2 दिन का हाई है, फ्राइडे का आया, ये मंडे का आया। ठीक है, एग्जैक्ट वहीं पे मार्केट खुलती है और इतनी बड़ी सेलिंग कैंडल बनाती है। तो पहले चलते हैं ऑप्शन सिम्युलेटर पे, और जाएंगे ऑप्शन सिम्युलेटर पे, बैंक निफ्टी। एक्सपायरी है 12 जन। ठीक है, हमें जाना है 10th को, पे ऑफ ले लेते हैं 12। 9:50 पे आ गए हम, टाइम हो रहा है 9:35। ठीक है, 9:35 में 9:30 ले लेते, 30 भी क्यों, 25 लेंगे तो 15 मिनट बाद। चलो 5 मिनट आपको एग्जीक्यूशन के लगेंगे, 25 पे ले लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ऑप्शन बेचे क्या जाएगा, इसके ऊपर की कॉल बेच सकते हैं ना, इसके ऊपर की, क्योंकि 2 दिन का हाई है जहाँ से रिजेक्शन आ रही है, तो इसके ऊपर की OTM सेफ हो गई है ना। तो ये वाली कॉल ले लेते हैं 42,700 की, 680 पर है, तो हल्की सी ऊपर, 42,700 की। दो लॉट में दिखा रहा हूँ आपको, आप एक में भी कर सकते हो, जितने आपकी रिस्क कैपेसिटी उस हिसाब से करो। अब इसको हम बाय कर लेंगे, अब 43,000 बाय कर लो, 300 पॉइंट, 200 पॉइंट, 100 पॉइंट या 500 पॉइंट, वो आपके रिस्क एपेटाइट के ऊपर होगा, कभी भी कोई फिक्स नहीं होता, डिपेंड करता है उस टाइम पे आप कितना रिस्क लेना चाह रहे हो, क्या ट्रेड बन रहा है। ठीक है, तो ट्रेड बना, 3,800 का प्रॉफिट है और 11,000 का मैक्स लॉस है, और नेकेड सेलिंग से मच बेटर है ये क्रेडिट स्प्रेड्स बनाना, इसको क्रेडिट स्प्रेड बोलते हैं, क्योंकि इसमें MTM सेफ रहता है। देखो, मार्केट ऊपर जाती रहेगी ऊपर जाती रहेगी, तो लॉस इतना रैपिड नहीं हो रहा, 1,300 का लॉस हो रहा है आपके अगेंस्ट 100-200 पॉइंट में चली जाए, तो आप इसको होल्ड कर पाते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट होता है उसको एंड तक लेकर जाना, होल्ड करने का दम होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर अब इसको आगे बढ़ाते हैं, कहाँ तक, चलो पहले 15 मिनट बढ़ाएंगे, मैं भी दिखाऊंगा कि इसको एडजस्टमेंट करके और प्रॉफिट कैसे बढ़ा सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, दो तीन तरह के एडजस्टमेंट, पहले आपको एक एडजस्टमेंट दिखाता हूँ कि लॉस कैसे कम कर सकते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप बिगिनर हो टेंशन लॉस की रहती है हमेशा। क्या करो, अभी 9:55 ही, मैं तो 15-20 मिनट हुआ है, थोड़ी देर वेट करो, प्रॉफिट में आ गए हम 1,600, 1,400, 1,900, 2,000 के प्रॉफिट में आ गए, ऑलमोस्ट 50% आपने लॉक कर लिया प्रॉफिट। ठीक है ना, क्या करो, अब ये बुक करो 38 पे, ये बुक कर लिया आपने 38 पे, बुक, और अब जाओ ऑप्शन चेन पे। अब जो हेज है, हेज को अंदर ले जाओ, 100 पॉइंट ले जाते हैं अंदर अभी हम, आप कितने मर्जी पॉइंट ला सकते हो आपके ऊपर, आप 100 पॉइंट लाओ, 10 पॉइंट लाओ, जितने मर्जी पॉइंट अंदर ला सकते हो आप। ठीक है, अब देखो ट्रेड क्या बन जाएगा, मैक्स रिस्क कितना हो गया 6,000 का, ऑब्वियसली कुछ प्रॉफिट भी जाएगा आपकी जेब से, क्योंकि तो आप रिस्क कम कर रहे हो, मगर रिस्क कितना कम हो गया, अब आप 42,600 तक लॉस भी नहीं होगा आपको, ये ब्लू लाइन को अगर आप देखोगे तो, ये एग्जैक्ट नहीं होती बट हाँ ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट एक्यूरेटी होती है। तो अब आपका मैक्स रिस्क 6,000 हो गया, जो 11,000 था, और यहाँ पे सिर्फ 500 रुपये कम हुए, तो है ना बढ़िया एडजस्टमेंट। चलो अब हम इसी के साथ, इसी को आगे कंटिन्यू रखते हैं, ये सोच के कि हमने रिस्क भी कम कर दिया।
अब अगर मैं स्टार्ट पर आऊं, पहले डेली पे एनालिसिस करोगे आप, आवरली पे करोगे, तो आपको दिख रहा है जो फ्राइडे का लो है, ठीक है, ये एक अच्छा सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है, अज्यूम करोगे आप बेसिकली, है ना। मैं भी आपको ये ट्रेड भी दिखाऊंगा जब आपके अगेंस्ट जाएगा, तो टेंशन मत लो, बट अभी हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि यहाँ पर होल्ड करेगा, भले होल्ड करे ना करे, आप अज्यूम तो कर सकते हो। तो जब सपोर्ट के हम पास आ गए यहाँ पर, और पहली आपको हल्की सी बाइंग देखने को मिली 42 41 800 पे, तो क्या करो 41 800 में बेचो, उससे थोड़ी सी पीछे आ जाओ, ठीक है, हल्का सा नीचे आ जाओ, भले 41 800 की जगह 41 600 बेचो, प्रीवियस सपोर्ट पर आ जाओ, बिल्कुल पास मत बेचो आप। कितने बजे आया है यहाँ पर मार्केट? मार्केट आई है यहाँ पर 1 बजे, तो पहले चलते हैं 1 बजे, 30 मिनट, 30 मिनट। देखो एमटीएम कितना बढ़िया चल रहा है, फ्लक्चुएट नहीं हो रहा एमटीएम, आप आराम से होल्ड कर पाओगे अपनी पोजीशन बिना टेंशन फ्री। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ही होल्ड करना है पोजीशन को। ये आ गए हम 1 बजे के आसपास, यहाँ पर बेचनी है पुट 41 600 की, ठीक है, इसी ट्रेड को और प्रॉफिटेबल बनाना है आपको। 41 600 की पुट बेचो, 2 लॉट, फिर से हेज कर लेंगे, 300 पॉइंट से शुरू करना है या 200 पॉइंट से, ये आपकी मर्जी है, बट अगर आप एक नए आदमी हो तो 200 से करके देखो, रिस्क कम होगा और आपको सेफ फील होगा, तो आप होल्ड करवाओगे इस ट्रेड को इजीली, ठीक है। अब देखो ट्रेड कैसा बन गया, कितना प्रॉफिट बढ़ गया हमारा, प्रॉफिट बढ़ गया और लॉस कम हो गया, 2000 रुपये लॉस कम हो गया, 2000 रुपये प्रॉफिट बढ़ गया। मार्केट की रेंज है 41 500 से 42 800, 1300 पॉइंट, 1300 पॉइंट में तो रहेगी मार्केट, हो सकता है ना रहे, बट प्रोबेबिलिटी है रहेगी, राइट। अब ये तो वही एक एडजस्टमेंट, ठीक है, जिसमें आपकी एक बढ़िया सी बन गई ट्रेड। लेकिन मान लेता हूं कि आपको थोड़ी और अग्रेसिव बनानी है, मैं माना कि आपको प्रॉपर एकदम नॉलेज है और आप प्रॉपर कॉन्फिडेंट हो कि ये लेवल तो होल्ड करेगा ही करेगा, तो भाई सीधा 41 800 ही शॉर्ट कर लो, ठीक है, 41 800 उसी जो उस जिस जगह पर है उसी जगह पे सेल कर लो, और 41 600 बाय कर लो। इसमें ज्यादा पॉइंट मिलेंगे आपको, ठीक है, बट इसमें ऑब्वियसली रिस्क भी ज्यादा है, क्योंकि मार्केट फिर स्लिप होगी तो ये लेग आपको लॉस देंगी, ये भी याद रखना, जो 41 500 वाली है वो उतना लॉस नहीं देगी, ठीक है। अब देखो रिस्क 3000, प्रॉफिट 6000, लेकिन याद रखो यहाँ पे कवरेज कम हो गई, उसकी कवरेज 200 पॉइंट एक्स्ट्रा थी आपके पास, रिस्क भले ही कम, प्रॉफिट हल्का सा कम था, बट कवरेज भी 200 पॉइंट एक्स्ट्रा थी, ठीक है। तो ये तरीके हैं आपके प्रॉफिट को बचाने के। अब एक्सपायरी तक मान लो मैंने 48 इसमें इसी में मान लिया, तो इसको चलने दोगे ना तो आपको इजीली आपसे होल्ड होगा, ठीक है। ये 10 जनवरी का दिन है तो कोई और एडजस्टमेंट की जरूरत है नहीं, अभी अगला दिन आएगा वेडनेसडे, अब 15 25 3 25 हो रही है, अगले दिन देखते हैं कहाँ खुलते हैं। देखो मैं सर किधर खुलते हैं अगले दिन, हम वहीं साइडवेज ही खुल रहे हैं, क्या गए इधर, हम साइडवेज ही खुल रहे हैं 11 जैन। अब ये जब प्रॉफिट बढ़ेगा या 3500 हो चुका है, ये लेग ने भी प्रॉफिट दे रहा, तो आप अब हेजिस को अंदर और खींच के ला सकते हो, ठीक है। ये देखो जैसे अब पीएनएल पे जाओ, सबसे पहले पुट लेग बुक करता हूँ 53 पे, ठीक है ना, क्योंकि हर किसी को जल्दी होती है, मुझे ट्रेड को फ्री करना है, फ्री करना, तो दिखा रहा हूँ एक बार आपको कि फ्री कैसे करते हैं। ऑप्शन चुनाव 41 700 पे लेंगे पुट को, क्योंकि प्रीमियम डीके तो हो ही चुका ना उसके अंदर, तो क्यों लेके बैठे रहना, ठीक है ना। ऊपर आओ और अब कॉल की साइड को भी शिफ्ट करेंगे, कॉल का है ये ही कॉल, 4200 कैसे रहे, 39 की, 39 की आ जाओ, गेट ऑप्शन चेन पे। ये ऑप्स्ट्रा ये सिमुलेटर पे स्लो चलता है, लेकिन इस पे जाके प्रैक्टिस करो या किसी पे भी प्रैक्टिस करो, बढ़िया है, अपने अपने आपको इजीली ट्रेन कर पाओगे। बट याद रखना आप कॉल
कम लॉट से शुरू करो लाइव मार्केट में, ये बैक टेस्टिंग में इंसान को कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ये लो ट्रेड फ्री हो गया। अब बोलो यहाँ 5,000 में मिलेंगे मिलेंगे और कोने में 500 में मिलेंगे मिलेंगे दो लॉट में, अब बताओ क्या दिक्कत है? बिल्कुल ओके नहीं है ट्रेड, इजीली फ्री कर दिया ना ट्रेड। इस फ्री ट्रेड के अंदर भी 100 तरह की चीजें करने दो, लेकिन अभी हम वो डिस्कस नहीं कर रहे, अभी हम ये देख रहे हैं ट्रेड को फ्री कैसे करते हैं। ये तो हो गया जब ट्रेड सक्सेसफुल गया हमारा, अब लेके चलते हैं उस ट्रेड पे जब सक्सेसफुल नहीं गया, और इसी दिन को लेके चलेंगे ठीक है। इसी दिन पे पुट बेचूंगा कॉल की जगह, ये मानूंगा कि यही दिन है और ये तो हमने होशियारी दिखा ली कॉल बेचकर। अब ये सोचते हैं कि हमारे को गलत एनालिसिस निकला, उस दिन हमारी कन्विक्शन गलत थी, हम यही सोच में रह गए कि मार्केट होल्ड करेगी और मार्केट ने होल्ड नहीं करा। तो अब हम चलेंगे उसी दिन पर 10 जनवरी और देखेंगे हम बचाते कैसे हैं इस ट्रेड को, ठीक है? एटलीस्ट ट्राई करेंगे बचाने की, क्योंकि तो जब व्यू गलत हो जाए ना तो ये नहीं सोच रहा होता कि पैसे कैसे बनाऊं, ये सोच रहा होता कि लॉस कैसे कम लूं। 9:25 पे ट्रेड डालेंगे ठीक है, 9:25 पे प्रीवियस सपोर्ट बेचूंगा, 41,800 बेचूंगा, प्रीवियस सपोर्ट की पुट बेचूंगा 41,800 की, 41,800 की पुट, पुट में तो कुछ है नहीं 41,800 की, तो 42,000 बेच लूंगा, क्योंकि तो उसमें 60 रुपये में कुछ मिलेगा ही नहीं, तो फिर वो बेचने का फायदा नहीं ना। एक मिनट रुको, 96 और 30 ज्यादा फर्क है नहीं वैसे। देखो सिंपल सी चीज देखो, अगर आप 42,000 बेचते हो और 41,800 से हेज करते हो तो आपको कितने पॉइंट मिल रहे हैं? 330 30 कुछ पॉइंट्स, और अगर ये और ये करते हो तो 20 पॉइंट मिल रहा है, तो 10 पॉइंट के लिए आपका रिस्क ज्यादा है। बट चलो मान लेते हैं अभी यही बेचा है, थोड़ा मुश्किल ही लेके चलते हैं, क्योंकि मुश्किल लेंगे तो मैं आपको दिखेगा कि मुश्किल सिनेरियो भी बच सकता है अगर पोजीशन साइजिंग सही हो, क्योंकि क्या गलती करते हैं लोग, बड़ी पोजीशन साइजिंग ले लेते हैं बहुत, फिर वो संभलती नहीं कि फिर उसमें बैठा भी नहीं जाता, ठीक है ना? तो पोजीशन साइजिंग पे हमेशा ध्यान रखना, रिस्क उतना जितना अफोर्ड कर सको, ठीक है? ये ट्रेड है, अब ये तो ट्रेड ही बेकार है, पहली बात ये तो ट्रेड ही बेकार है, इसमें तो रिस्क रिवॉर्ड बहुत ही गंदा है, तो ये ट्रेड लेने की कोई सेंस है नहीं। फिर भी मान लिया कि आपने ले रखा है ठीक है, 30 मिनट्स आ गया, जो खुलते ट्रेड लॉस दे रहा होगा। पहली गलती तो लोग ये भी करते हैं, ऐसा ट्रेड ले लेते हैं, अब जिस चीज में 1,700 रुपये कमाने को थे, आपने उसमें 1,000 रुपये का लॉस तो अभी ले लिया, तो पहला स्टेप क्या होता है इसका? ट्रेड को बंद कर दो, ठीक है? पहला स्टेप इज ऑलवेज कि ट्रेड को बंद कर दो। बट अभी मेरा व्यू यहां से गलत जाता दिख रहा है मुझे, मुझको क्या टाइम हो रहा है? 9:55, 9:50, 9:55, अपना डे लो भी तोड़ दिया यहां पर कहीं, ना डे लो भी तोड़ दिया। अब क्या कर सकते हो आप? अब मैं दिखाता हूं क्या कर सकते हो। तो अब पहला स्टेप क्या होगा यहां से? पहला स्टेप मैंने आपको बताया, ट्रेड क्लोज कर सकते हो आप, मगर आप जिद्दी हो, आपको लग रहा है कि नहीं अभी मेरा व्यू सही है, मैं नहीं करूंगा इसको बंद। चलो कुछ नहीं होता, अभी हम बैठे हैं 40, कहाँ पर? अभी हम 9:55 हो रही है राइट, हम 42,200 पर है ठीक है, अभी भी हम इसको चलने देते हैं, 200 पॉइंट और दे रखे हमने इसको, ठीक है आराम से चलने दो। अब बिल्कुल ब्रेक इवन के पास है और मैक्स जो प्रॉफिट था उसके उतना मैक्स लॉस हो रहा है, तो मैं जनरली यहाँ पे एडजस्ट करना प्रेफर करूंगा या क्लोज करना। गेट ऑप्शन चेन, 11 बज रही है, हाँ यहाँ पर एडजस्ट करना बनता भी है, डे लो वेलो तोड़ दिया, सपोर्ट के आसपास है, कोई नहीं। क्या करो आप, 42,000 की आप कॉल बेच दो, इसको एक आयरन फ्लाई बना देंगे हम, ठीक है? तो खुलने दो, और 42,000 की पुट बेच रखी है ना मैंने, तो आप 42,000 नहीं, इसकी मैचिंग 182 के आसपास ये बेच लो, 42,300 की कॉल बेच लो। आप उससे अग्रेसिव भी बेच सकते हो, लेकिन थोड़ा सा कम ही अग्रेसिव करना चाहिए, क्योंकि अभी ट्यूसडे ही है ठीक है, और हेज करने के लिए फिर से 42,400 से हेज कर लेंगे, हेज इट विद 42,400, ऐसा बन गया ट्रेड हमारा। मैक्स लॉस 6,000 रुपये हो गया, प्रॉफिट 3,700 हो गया। तो अब 30 मिनट बढ़ाते हैं, अभी हम लॉस में चल रहे हैं, तो आपको लॉस तो देखना ही पड़ेगा, वो सहना आना चाहिए। देखो यही इंपॉर्टेंट है पोजीशन साइजिंग, अगर यहाँ पे 10 लॉट होते और ये बड़ा होता और वो कैपिटल पे सूट नहीं कर रहा होता, तो आप इसको ना एडजस्ट कर सकते हो ना होल्ड कर सकते हो।
आप गलत डिसीजन लोगे ही लोगे, क्योंकि आप लॉस में हो। लॉस में आदमी कभी ढंग से सोच नहीं पाता। ठीक है, अब हम जा चुके हैं इसके अंदर, तो अब आप क्या करो, अब आप इसको भी बुक करो 134 पे। ठीक है, इसको बुक करो 110 पे, 109 पे। टाइम हो रहा है 12:55, 12:55 पे कहाँ पर थे हम, 12:55 समवेयर अराउंड 41,800 के आसपास है। तो अब जाके आप 42,000 की कॉल बेच सकते हो। 40,000 की कॉल बचाई लेगी आपको 240। ठीक, परफेक्ट स्पॉट पे हम 240 और हेज कर लो 42,200 से। देखते क्या बन गया ट्रेड, आयरन फ्लाई बन गई। ठीक है, रेंज क्या है, 41,872 से 42,100, 30 मिनट्स, 2,000 का रिस्क हो रहा, 2,000 का रिस्क हो रहा, 2,000 का रिस्क, रिस्क कह रहा लॉस चल रहा है। और अब हम लॉस में बैठेंगे क्योंकि आज ही ट्यूसडे है। अब हमारे को या तो ये ट्रेड लेके जानी पड़ेगी, क्योंकि लेकिन अब रिस्क रिवॉर्ड ऐसा हो चुका है कि अब आप इसको होल्ड कर सकते हो। अब 3,000 का लॉस है और 6,000 का प्रॉफिट है। ठीक है, तो अब ये ट्रेड होल्ड करने लायक बन चुका है थोड़ा बहुत, पहले नहीं था। अब ये है कि अब हल्का सा भी मनी में आते ही, पैसे में आए, अगर आप उसी रेंज में आ गए तो आपको पैसे मिलेंगे। ठीक है, बट फिर भी हम देख लेते हैं। अब इसमें एडजस्टमेंट करना भी मुश्किल है। नीचे से आप पुट बेच सकते हो, एक्स्ट्रा कॉल बेच सकते हो, बट वो एक डिस्क्रिशनरी डिसीजन है आपका खुद का, तो वो मैं नहीं यहाँ बता सकता। वो आप चार्ट देख कर ही करोगे। चलने देंगे अब इस ट्रेड को, कोई टेंशन नहीं है। 11 जैन एक्सपायरी कब है, एक्सपायरी है 12 की। देखो यहाँ पर आप या पुट ऊपर ला सकते हो, बट वंस अगेन नेकेड पुट सेल हो सकती है यहाँ पर 41,800 की लॉस रिड्यूस करने को। जैसे 11 जैन 13:25, 1:25 हो रही है, तो 11 जैन मैं देखो चार्ट नहीं देख रहा, आपके आगे भी चार्ट देख रहा होता तो डिसीजन मेकिंग बिल्कुल डिफरेंट होती है। ठीक है, 1:25 चलने देते हैं ट्रेड को। पुट कॉल सेलिंग सब कुछ चार्ट देख के होता, बट अभी मैं प्योरली प्राइस और ऑप्शन के हिसाब से कर रहा हूँ कि मेरे को अपने पैसे कैसे बचाने हैं। अब ये ट्रेड एक्सपायरी तक होल्ड हो सकता है, ठीक है ना, इसका रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है अगर ये बैठ गया, वरना एक्सपायरी के दिन तो बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ। आप कहीं से भी कॉल पुट सेल पुल कर करके देखो, 1,600 का रिस्क हो गया। चाहो क्लोज कर दो 1,600 के रिस्क पे, नहीं मन लेके बैठेंगे, देखते हैं क्या होता। 1,200 का हो गया, ठीक है, धीरे धीरे कम हो रहा है, 1,000 रुपये हो गया, 700 रुपये का लॉस हो गया। ठीक है, ये वो सारे डिसीजन है जो हमने गलत लिए हैं। सही डिसीजन इसमें एक भी नहीं था पूरी ट्रेड में। 400 रुपये का हो गया, मेरे को लग रहा है यही एक्सपायरी होनी है क्या इसकी, कहाँ है थर्सडे का दिन, ये रहा थर्सडे की एक्सपायरी, कहाँ है ये एक्सपायरी हुई 42,000 में। ओ तो बहुत लकी हो गए हम, ये एक्सपायरी में बहुत लकी हो गए हम कि बिल्कुल ही एग्जैक्ट हमने जहाँ चाहा वहीं पे एक्सपायरी हुई है, राइट। तो ये तो बहुत लकी हो गए, बट इन दी एंड मैंने आपको जो सिखाया वो ये था कि आप बच किसी भी पोजीशन से सकते हो अगर आपकी पोजीशन साइजिंग सही हो तो। लो इन दी एंड 1,000 रुपये का प्रॉफिट होके निकला, और पहला जो ट्रेड लिया हमने पूरा गलत, मतलब पूरा व्यू गलत था हमारा उसमें। ठीक है, तो ध्यान रखो पोजीशन साइजिंग इसकी, क्रेडिट स्प्रेड्स बहुत अच्छे हैं छोटे कैपिटल के लिए, और 3,000 के रिस्क पे 6,000 का प्रॉफिट मिल रहा है, इससे बढ़िया क्या चाहिए आपको। ठीक है, ये दोनों चीज, दोनों तरीके हुए। एक में आपको
वो बना गया, ट्रायंगल बन के फ्री हो गई, ये भी फ्री हो सकती थी, इसको 100 पॉइंट ऊपर लाओ, इसको 100 पॉइंट अंदर लाओ, बट अभी ऐसा सिनेरियो नहीं था हमारे पास ना। मैं चाहूँ तो रिड्यूस कर सकता था, लेकिन ये रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है, इतना रिस्क तो ओपन रखना पड़ेगा अगर पैसे कमाने हैं तो। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, और किसी को डाउट है तो लिखो, मैं उसे क्लियर कर दूंगा। बाकी सब्सक्राइब।